नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। नमस्कार श्री राधे मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिन शिरोमणि। आचार्य जी, आज का विषय बेहद ही खास है, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले जानना चाहूंगी समय क्या हुआ है। जी बिल्कुल कंचन जी, 2:30 दोपहर के। बिल्कुल, देखिए हर चीज का समय पर होना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप इस समय इंतजार कर रहे थे कि कल आज और कल कब शुरू होगा, है ना, तो समय पर ही शो शुरू होता है। 2:30 शो शुरू हो चुका है, और ऐसे ही घड़ी को लेकर के हमारा जो कनेक्शन है सुबह से लेकर रात तक बना ही रहता है। यानी कि सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले अपनी घड़ी देखते हैं कि भाई समय कितना हुआ है, आपको बच्चों को स्कूल भेजना है या आपको ऑफिस जाना है। महिलाओं को सुबह सुबह एकदम से किचन में घुसना होता है क्योंकि सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, और उसके बाद रात को भी आप समय देखकर ही सोते हैं कि भाई अब समय हो गया है, अब सोना है क्योंकि अगले दिन फिर उठना है। बिल्कुल, यानी कि समय के चक्र के साथ साथ आप भी चलते ही रहते हैं, और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा विषय भी है। आचार्य जी क्या कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल कंचन जी, कहा भी जाता है कि समय बहुत बलवान है, लेकिन समय जिसका आप सदुपयोग करें तो आपके आगे सकारात्मकता बिल्कुल दिखाई देती है, लेकिन यदि आप समय का सदुपयोग ना करें, आप समय की परवाह ना करें, तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आपको घेरना शुरू कर देती है। वो चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, या आपके कहीं मित्रगण की कोई ना कोई मंडली हो। देखिए, जब भी आप किसी से मिलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी रिस्पॉन्स पे आपके होता है, घड़ी पर होता है कि मुझे अमुक व्यक्ति से या जातक से या व्यक्ति विशेष से या मित्र से या मित्र मंडली में कहीं ना कहीं आपको जाना होता है, तो समय के बड़े आप पंक्चुअल रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी घड़ी बहुत छोटी सी जो आपने पहनी हुई है उसका क्या कलर रहे, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसका रखरखाव हो, यह आज आपको हम सटीक जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके घर के अंदर घड़ी की सही दिशा क्या हो और कैसी उसको किस तरीके से रखा जाए और क्या उसमें सावधानियां हो, ये हम आपको आज सटीक जानकारी अवश्य देंगे। जी हाँ, और इसके अलावा महिलाओं की सेहत की बात भी करेंगे। महिलाएं जो पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत को लेकर कहीं ना कहीं आनाकानी दिखाई देती हैं, और खून की कमी की समस्या अगर आपके साथ बनी हुई है तो एनेमिक प्रॉब्लम ना रहे, इसके लिए खास प्रयोग भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे दिव्य स्तुति। एक ऐसी स्तुति है जिसे सुनने मात्र से ही आपको सुकून मिलता है और कष्ट भी कट जाते हैं। बिल्कुल मित्रों, आज की महादिव्य स्तुति बहुत खास है। प्रभु श्री राम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी माध्यम से आपके कष्ट क्लेश दूर कर ही देते हैं, बशर्ते आपके मन के अंदर पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। तो ध्यान करिएगा और आंखें भूंदिएगा प्रभु श्री राम का। ओम आपदाम पहरतारम दाताराम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। इस प्रकार प्रभु श्री राम का जब आप ध्यान करते हैं तो हर प्रकार के कष्ट कलेश, रोग, दोष, शोक आपके घर से स्वतः ही पदार्पण कर जाते हैं। तो इस स्तुति को आप दोहरा भी सकते हैं, लाभ आपको अवश्य होगा। बिल्कुल, तो दिव्य स्तुति आप सुन चुके हैं। इसके अलावा आपका वो नंबर जो बहुत ही भाग्यशाली आप महसूस कर लेते हैं जब इसे अपने पास रख लेते हैं, सीक्रेट नंबर भी हम आपको आगे बस देने ही वाले हैं जी। लेकिन विशाल से पहले बात करेंगे, पटना से जुड़े हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका शो में विशाल, बताएं अपने बारे में और पूछिए अपना सवाल। नमस्ते कंचन मैम, हम पटना से बोल रहे हैं, विशाल रंजन। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22/2/1974 22/2/1974 जी। समय बताएं आप। 12:10 रात्रि। और प्लेस, स्थान मेरा गया है, गया बिहार जी। क्या सवाल है आपका विशाल? हाँ, आचार्य जी को नमस्कार, चरण स्पर्श। श्री राधे भैया आशीर्वाद जी। बोलना था हमको आचार्य जी कि हमारी शादी 11 जुलाई 2007 में हुई थी जी, और उसी के कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, जो जिसके चलते हमको कारावास की सजा भी हो गई, और अभी हम बहुत दिक्कत में है। इसी शोक में मेरे पिताजी भी चले गए, मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मेरा केस मुकदमा ये कब तक खत्म हो जाएगा? डाउरी एक्ट मेरे ऊपर किए हुए हैं वो जी। हमारी भी स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती है, क्या मेरी पत्नी आएंगी? और मेरी एक बच्ची भी है, और वो ये कर दिए है, मेंटेनेंस का भी केस किए हुए हैं मेरे ऊपर। अभी हमको तुरंत अभी हम 25,000 रुपया हम दिए भी हैं। हमारी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं, हम क्या करें आचार्य जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जी बिल्कुल भैया, बहुत समस्या आपकी हम मान सकते हैं। इस समय आपको काफी पीड़ा और वेदना हो रही होगी, लेकिन वृश्चिक लग्न का आपका जन्मांक, लग्न के अंदर इस समय शनि और मंगल की युति। आपको बता दें कि आपकी इस समय कुंभ राशि है, और कुंभ राशि से 12वें घर के अंदर शनि आप प्रतिरिक्त भाव के अंदर बहुत अच्छा फल आपको नहीं दे पा रहा।
पूर्ण रूप से आप मांगलिक हैं, आपको विवाह जो है कुंडली मिलान के द्वारा ही करना चाहिए था। यदि आपकी पत्नी मांगलिक हैं तो कुछ ना कुछ बात आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन यहां पर किसी भी रूप से सेटलमेंट आपका नहीं दिखाई देता क्योंकि आपने अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताया है। शनि की महादशा शुक्र की अंतरदशा 6 जून 2018 के बाद जो है ये होना संभव हो पाएगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है आप ये जान लीजिए, आप रात्रि के समय शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करिएगा और हो सके तो लाल फल, थोड़ा सा लाल फल, एक दो लाल फल ले लीजिएगा आप और बालकों में वितरण करिएगा, और हो सके तो गौ सेवा का जो है अवसर बिल्कुल भी मत चूकने दीजिएगा अपने हाथ से। जब भी आपको जहां कहीं गाय आपको दिखाई दे उसकी सेवा आप अवश्य करिएगा, कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा से आपको लाभ दिखाई देगा। जी हाँ, और आइए अब अपने विषय पर भी आ जाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, घड़ी जो आपको अनुशासित बनाती है और समय के अनुकूल आप चलते हैं तो आप कामयाबी भी जीवन में है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन आचार्य जी, अगर हम जानना चाहें कि घड़ी जो होती है वो हमें सीधी कलाई में बांधनी चाहिए या फिर उल्टे हाथ में पहननी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले आप जरूर बताएं। जी देखिए कंचन जी, होता क्या है कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, अमूमन आपने देखा होगा कि दाएं हाथ से आप हर कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आपको बताएं कि हमेशा अपने बाएं हाथ की कलाई पर ही आप घड़ी पहने ताकि आप समय को पूर्ण रूप से देख सकें और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूर्णता हासिल हो जाए। और घड़ी का जो आकार है वो हमेशा चौकोर ही होना चाहिए, इससे आपका मन और मस्तिष्क जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। और घड़ी को इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा अपने घर की या ऑफिस की टेबल पर कहीं भी आप पूर्व दिशा की तरफ आप रखिएगा, देखिएगा कैसे आपका समय आपके अनुकूल रहेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल फिर बाएं हाथ की कलाई पर ही घड़ी जो है पहननी चाहिए और चौकोर घड़ी जो है वो बेस्ट होती है, स्क्वायर शेप की घड़ी ही सबसे बेस्ट मानी गई है। शिवानी जुड़ी है हमारे साथ खरगोन से। जी स्वागत है आपका भी शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे शिवानी जी। हाँ मुझे अपने बारे में पूछना है। जी बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 2000। जी समय? समय है 1:15 रात्रि। और प्लेस? प्लेस है देवास। देवास जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। जी जी बिल्कुल शिवानी जी, बता दें धनु लगन का आपका जन्मांक यहाँ बन जाता है और सूर्य चतुर्थ भाव के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा बलहीन हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये मीन राशि के अंदर है, फिर भी आपको बता दें आपको टीचिंग लाइन के अंदर जाना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको कहीं ना कहीं जॉब तो मिलेगी ही, साथ में आप एक उत्तम जो है शिक्षक साबित हो पाएंगे इस रास्ते के लिए। और राहु में बृहस्पति की अंतरदशा, तो आपको जॉब जल्दी मिल जाए या फिर आने वाले समय के अंदर जो है आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इससे संबंधित भी आप एक उपाय कर लीजिएगा। समय पर आप शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन, आप महीने में एक बुधवार आप चूज कर लीजिएगा और गरीब लोगों को घर का बना हुआ भोजन अवश्य बांटिएगा और किन्नर की सहायता करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको एक बार फिर से घड़ी के बारे में और रहस्यमयी जानकारियां बताते हैं। मतलब घड़ी तो एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन ऐसा होता है कि हम घड़ी, ऐसा नहीं होता कि हम घड़ी को ना देखें। बिल्कुल देखते हैं घड़ी तो हम जरूर देखते हैं, हर दिन देखते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए वॉल क्लॉक की, दीवार पर जो घड़ी टांगी जाती है उससे जुड़ी हुई भी कुछ खास जानकारी आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए लोग घड़ी तो खरीद लेते हैं कंचन जी, उसको रखने का स्थान भी कई बार गलत हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप अपने घर के अंदर वॉल क्लॉक जो है उसको कहां रखें। देखिए आपने बहुत सुंदर घड़ी खरीदी, आपके पैसे भी खर्च हो गए तो आप उसका पूर्ण रूप से आपको फायदा भी होना चाहिए। हमेशा घर के अंदर वॉल क्लॉक को घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण या पूर्व या उत्तर को टच करते हुए आप लगाइएगा, या तो समय मिलाकर उसे एग्जैक्ट समय पर रखिएगा आप, या फिर उसे 5 मिनट आगे ही रखिएगा आप। अदरवाइज क्या है कि अगर वो पीछे हो गई या उसका सेल वीक हो गया तो आप मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं आप समय में पीछे रह जाएंगे और हर कार्य को आप समय पर भी कर पाएंगे यदि आपकी घड़ी बिल्कुल नियमित है और नियमित रूप से आप अपनी घड़ी की सफाई करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने एक बार घड़ी लगा दी और उसके बाद आप उसे भूल गए, जब वो बंद हुई तभी आपने उसका सेल चेंज किया, ऐसा मत करिएगा। कहीं ना कहीं नकारात्मकता आ जाती है जब उसका सेल वीक हो जाता है या फिर उस पर कहीं ना कहीं मिट्टी की कोई परत जम जाती है। जी हाँ, और आइए अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो देखते हैं कि कौन बन चुके हैं आज लकी कॉलर और लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में, सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। नमस्ते मैम।
प्रणाम पंडित जी। श्री राधे भैया। नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं झारखंड और झारखंड कलामू से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है और बधाई आपको अमित, आज के लकी कॉलर हैं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1993 को रात को करीब 2:10 या 11 पे है, ठीक ना? अच्छा, और प्लेस? मेरा पास डेट बर्थ प्लेस बताएं आप। बर्थ प्लेस झारखंड पलामू। पलामू जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं? जी। अगर नहीं लगती है तो किस दिशा में मतलब मेहनत किया जाए जिसे सफलता मिले? जी भैया बिल्कुल बताते हैं आपके, आपका जन्मांक बिल्कुल तैयार हो रहा है। देखिए आपको बताएं भैया कि गवर्नमेंट जॉब सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके जन्मांक के अंदर त्रिक भाव में, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही है। स्वराशि का शनि भी आपको काफी हद तक इसके अंदर मदद करने वाला है और चंद्रमा आपका सिंह राशि के अंदर। देखिए इस समय बृहस्पति और राहु की युति आपकी राशि के ऊपर है, लेकिन राहु में राहु की अंतरदशा। 7 तरह का अनाज लीजिएगा, किसी बहते दरिया के अंदर अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा के आप प्रवाह कर दीजिएगा और हो सके तो 5:15 से 9:15 रत्ती तक का आप एक गोमेद धारण करिएगा, लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे अपार शक्ति है गणेश द्वादश नामावली में, हर राशि के जातक के लिए एक खास नाम होगा गणेश जी का, जिसका जाप जो है आपको विधि अनुसार करना होगा। बिल्कुल। और मेष से लेकर के मीन तक के जातकों को कल हम ये जानकारी देंगे बप्पा के किस खास के नाम, जो खास नाम जो है जिसका आपको उच्चारण करना है, ये कल सुबह 8 बजे बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। श्री गणेशाय नमः। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। में कृष्ण पढ़े जहाँ कालिदास ने ग्रंथ गढ़े, जहाँ धर्म संस्कृति सदा बढ़े, जहाँ सूरज अपने रथ में चढ़े, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंह। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला, कुंभ महापर्व सिंहस्थ 22 अप्रैल से 21 मई 2016 उज्जैन मध्य प्रदेश। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, घड़ी के कुछ राज हैं जो आज हम आपको बता रहे हैं। यूं तो घड़ी हमें हर दिन एक सीख भी दे रही होती है, यानी कि अगर घड़ी के मुताबिक जो उसकी सुइयां चल रही हैं, समय जो आपको बताया जा रहा है, अगर आप समय के मुताबिक नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पिछड़ते ही चले जाते हैं। जी। और खास तौर पर अगर अपने ऑफिस भी लेट पहुंचते हैं तो लोग आपको कहेंगे लेट लती। बिल्कुल। काम भी नहीं बन पाते हैं आपके, क्योंकि आप समय के अनुसार नहीं चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि ये जो समय, जो घड़ी आपको समय बता रही है, इस घड़ी में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी घड़ियां हैं जो कि आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कौन सी ऐसी घड़ियां होती हैं आचार्य जी? बिल्कुल कंचन जी, बता देते हैं कि कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जो कि आपको अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कोई ऐसी पुरानी बंद घड़ी कहीं ना कहीं आपने बॉक्स में या अपने कहीं ना कहीं ड्रॉवर में कहीं ना कहीं रखी होगी, उसे आज बिल्कुल हटा दीजिएगा। बंद घड़ी आपको अपने घर के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी है, इससे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बड़ी तीव्र गति से हो जाएगा और साथ ही साथ धन का आगमन जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो बिल्कुल रुक जाएगा।
और टूटे शीशे वाली घड़ी भी बिल्कुल घर में नहीं रखना, उसे बिल्कुल रिपेयर कराइए या फिर उसे घर से हटा दीजिएगा। आप कल आज कल कल करके जो आप उसे रखे ही रहते हैं, इससे आपका नुकसान बिल्कुल होने लग जाता है। वो नुकसान क्या होता है ये भी आप जानिए कि आपके घर के अंदर कलह कलेश का वातावरण बिल्कुल बनने लगता है, और साथ ही साथ दरवाजे के ऊपर कभी भी आपको घड़ी नहीं लगानी है। मित्रों, इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं जब भी आप उस दरवाजे के नीचे से निकलेंगे, आएंगे जाएंगे, तो आपका आभा मंडल वहां से प्रभावित होने लगता है। तो इस तरह का आप प्रयोग बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, और अब बात करेंगे होशियारपुर से, बबलेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं भूपेंद्र बोल रहा हूँ जी। 20 सितंबर 1961 12:30 रात्रि जी। प्लेस, मेरे दो प्रश्न हैं जी। जन्म स्थान भी बता दीजिए। हाँ जी, 20 सितंबर नहीं, जन्म का स्थान, जन्म स्थान होशियारपुर। होशियारपुर, क्या सवाल है आपका? दो प्रश्न है मेरे जी, बताएं। भैया प्रश्न पूछें। हाँ जी, दो प्रश्न है, एक तो विदेश जाने का, दूसरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती जी। जी बिल्कुल बता दें भैया, देखिए यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बिल्कुल विदेश जाने का यहाँ पर योग आपका नहीं है, ये हमें कहना पड़ रहा है। बृहस्पति में राहु की अंतरदशा, कहीं ना कहीं 17 तक आप प्रयास कर सकते हैं, नवंबर 2017 तक आप प्रयास करिएगा, वहां पर आपके सेटल होने का बिल्कुल योग नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी घूमने के पर्पज से आप जा सकते हैं, लाभ आपको दिखाई दे, इसके निमित्त आपको 5:15 से 9:15 रत्ती तक का आप गोमेद धारण करिएगा, लाभ त्वरित दिखाई देगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी। और चलिए अब हम बात करेंगे महिलाओं की सेहत के बारे में, और खास तौर पर खून की कमी आपके शरीर में रहती है, और कहा भी जाता है कि कुछ एनेमिक हो जाते हैं, लेकिन 12 के करीब करीब 14 के बीच बीच में होना चाहिए ना ब्लड का हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में खून की कमी है, तो ऐसे में कुछ खास प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं, तो उसे अपनाएं। आपसे हैं हमने जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। बिल्कुल मित्रों, आपकी सेहत में हम माताओं बहनों को आज बताने वाले हैं कि रक्त की अल्पता अर्थात रक्त की कमी, आप एनेमिक हैं तो आपको पता ही नहीं चल पाता और आप अपने अंदर एक अलग सी कमजोरी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अब वो कमी कैसे दूर हो, बहुत साधारण सा उपाय है लेकिन चमत्कारिक इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आप इसको करके देखिए। एक सेब के रस में आपको 2 चम्मच शहद मिलाना है और उसको मिलाकर नित्य आप सेवन करिएगा। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा और आपकी रक्त की कमी ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल दूर हो जाएगी। बिल्कुल, हम एक मेल पर भी चर्चा कर लेते हैं। मेल आप करिए हमें, हमारी मेल आईडी है kal2.30@liveindia.tv। निशा पाटिल नाम है इनका। 20 सितंबर 76 11:30 बजे PM महाराष्ट्र जलगांव। जानना चाहते हैं कि इनका खुद का मकान कब तक होगा इनके नाम पर खासतौर पर, और बच्चों का साथ मिलेगा क्या, आगे का भविष्य कैसा है, ये सब बताएं। जी बिल्कुल, इनका अपना मकान होगा लेकिन उसकी डेट भी हम बता देते हैं, सितंबर 2016 के बाद ही ऐसा होना संभव हो पाएगा, और बालक भी आपके साथ रहें, इससे संबंधित आप एक उपाय कर लीजिएगा। आप शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन किसी कृष्ण मंदिर में जाइएगा और पीले फल और पीला वस्त्र और कम से कम 5 हल्दी की साबुत गांठ वहां पर रख के आइएगा, लाभ आपको त्वरित दिखाई देगा। लेकिन इन सब चीजों के लाभ में आपको सीक्रेट नंबर बहुत मदद करने वाला है, उसे आप अपने पास नित्य रखिएगा। जी हाँ, तो चलिए अब ले ही लीजिए अंक ज्योतिष के अनुसार आपके मूलांक के लिए सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर आपका इंतजार कर रहा है मित्रों, अपनी राशि अनुसार अर्थात अपने मूलांक अनुसार जो है आप अपने नंबर को नोट करिएगा। मूलांक 1 वाले नोट करेंगे आज 100 नंबर यानी कि 100 नंबर को, और मूलांक 2 वाले नोट करेंगे 82 यानी 82 नंबर को। मूलांक 3 की बारी आ चुकी है, 84 लिखें अपने सीक्रेट नंबर पर, और मूलांक 4 नोट करेंगे 31 यानी कि 31 नंबर को। मूलांक 5 की बारी आ गई, 59
और मूलांक 7 लिखेंगे 110 यानी 110 नंबर को, मूलांक 8 नोट करें 21 नंबर को, और आखिरी मूलांक 9 54 यानी कि 54 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर पर। आज रविवार का दिन है मित्रों, आप एक लाल पेपर ले लीजिएगा, उस पर लाल चंदन के द्वारा आप इसको लिखिएगा, चार फोल्ड करिएगा, अपनी पॉकेट में रखिएगा, भरपूर फायदा उठाइएगा, और वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप इसको किसी पीपल या तुलसी के वृक्ष की जड़ में अर्पण करिएगा। जी धुलिया से ज्योति जुड़ी हैं। जी स्वागत है आपका शो में ज्योति, बताएं अपने बारे में आप। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। हेलो मैडम जी। हेलो जी ज्योति बताएं। हेलो ज्योति बताएं जन्म की तारीख। हेलो मैडम। अच्छा आप एक काम कर लीजिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। हाँ जी मैडम कम किए। अच्छा अब बता दीजिए जन्म की तारीख। हाँ नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे जी, हमें हमारे पति के बारे में पूछना है जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी सर, उनकी जन्म तारीख है जी। हेलो जी बताएं जन्म की तारीख बताएं। 17 जी। 9 जी। 1976 86। जन्म का समय बताएं ज्योति। जन्म का समय बताएं मैडम। 77 76 जी। अब समय बता दीजिए। हाँ रात को 9:45 और स्थान धुलिया। धुलिया। अच्छा क्या सवाल है आपका जी मैडम? हमारा ये सवाल है कि हमारे पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है मैडम। अच्छा। फिर दो चार दिन तक ठीक रहता है, फिर बाद में बहुत झगड़ा होता है हमें। झगड़ा होता है? इतना झगड़ा होता है मैडम कि हमें डायरेक्ट तलाक तक बात चल जाती है, चले जाती है जी। देखिए वृषभ लग्न का आपके हस्बैंड का जन्मांक है और सप्तमेश मंगल यहाँ बता दें अस्त है पंचम भाव के अंदर सूर्य से, लेकिन इस समय शनि और मंगल की युति आपके सप्तम भाव के अंदर बनी हुई है, आपके हस्बैंड के सप्तम भाव में बनी हुई है, लेकिन आप भी किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दबाजी कर जाती हैं और उनको नहीं सुनती हैं। आप पहले उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शनि की महादशा और मंगल की अंतरदशा आपके पति के जन्मांक में इस समय चल रही है, ये अक्टूबर 2016 के बाद तक ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर के अंदर करना आरंभ करिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन करिएगा, लाभ आपको दिखाई देगा, और हो सके तो छोटी जरूरतमंद कन्याओं को लेखन सामग्री का दान आपको अवश्य करना है, लाभ दिखाई देगा लेकिन इस चीज को गुप्त रखिएगा। बिल्कुल। मुंबई से गायत्री जुड़ी है। जी स्वागत है आपका भी शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो जी गायत्री जी। जी बताएं अपनी जन्म की तारीख। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। श्री राधे। श्री राधे। हेलो मेरे पतिदेव के बारे में पूछना चाहती हूँ, रमेश गुप्ता। जी बताएं जन्म की तारीख। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। टीवी का वॉल्यूम आप भी बंद कर लीजिए। अरे देखिए ना समय भी था कम और जी बिल्कुल। देखिए सभी बंधुओं से हम कहना चाहेंगे कंचन जी, देखिए वो फायदा उठाया करें, वो पहले से ही टीवी के वॉल्यूम को अपना डाउन रखें और जो भी जानकारी विशेष होती है एक कागज पर पहले से ही लिख के रखें, बिल्कुल, ताकि आप समय का सदुपयोग कर पाए। बिल्कुल यही तो आज हमारे शो का मतलब भी था, समय के अनुसार चलना, और समय भी देखिए खत्म हो गया शो का। अब शो में आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे धन्यवाद। कल दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए, इसकी एक झलक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।